नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 करंट अफेयर्स। टॉप 10 करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है अपना, वह राज्य जिसने सरल सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वह राज्य जिसने सरल सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया वह है, तो अपना आंसर होगा इसमें कर्नाटक। दुनिया भर में विश्व मच्छर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 20 अगस्त। 20 अगस्त को दुनिया भर में विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य के हाई कोर्ट ने राज्य में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में यहाँ पर भूमिगत बंकर म्यूजियम का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पे किया है, मुंबई में इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में रक्षा सचिव के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है, रक्षा सचिव के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है, अजय कुमार की नियुक्ति की गई है। बीसीसीआई ने स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों से घिरे हुए भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत पर लगाव आजीवन प्रतिबंध घटाकर कितने साल का कर दिया है, 7 साल का कर दिया है। उस पर से आज एस श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध घटाकर 7 साल का कर दिया है। रूस की राजधानी कहाँ है, मास्को। हरियाणा सरकार ने हाल ही में बीपीएल परिवार के लिए पारिवारिक आय की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, इसको 15,000 रुपये कर दिया है। 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 15,000 रुपये। पेटीएम के संस्थापक कौन है, विजय शंकर शर्मा। पेटीएम के संस्थापक विजय शंकर शर्मा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने हाल ही में जिस देश की हॉकी टीम को हराकर ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता का खिताब जीता है वह है जापान। जापान की टीम को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता का खिताब जीता है। क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, शरबत सेहत बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो शरबत सेहत बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है, राजस्थान, पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश। प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।